वाइट हेयर मुझे बेबी के रूम में मिला और वो भी बहुत ऊपर। ये वहां कैसे पहुंचा? उड़ के गया होगा, इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? अरे लेकिन हमारे घर में तो किसी के सफेद बाल है ही नहीं। बात तो बिल्कुल सही है अंश। मुझे फील हो रहा है इस घर में कुछ ठीक नहीं है। अरे रूबी, ये तुम क्या बोल रही हो? जब भी किसी बुरी शक्ति का प्रेजेंस होता है तो डायन को सबसे पहले पता चलता है। मैं आप सबको बता रही हूँ, इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है। सफेद बाल मिलना इज नॉट नॉर्मल। ये भगवान, बड़ी मुश्किल से तो हमारी बुरी भाभी डायन यहाँ से गई है, अब फिर से बुरी शक्ति। तुम कहना क्या चाहती हो? आई नो तुम मुझसे नाराज हो अंश, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया, अगर उसके बाद मैंने इस घर को सेफ नहीं रखा तो मैं गिल्ट से मर जाऊंगी। अंश, तुम्हारे घर और मुन्ना की सेफ्टी के लिए प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो। मुझे पता था, मैंने कहा था ना, घर में डायन आती बड़ी आसानी से, लेकिन जाती बड़ी मुश्किल से। अंश, मैं सिर्फ मुन्ना की सेफ्टी के लिए यहाँ रुकना चाहती हूँ। इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है, प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो। हाँ है, और वो बुरी शक्ति तुम हो। वेदश्री आंटी, बिलीव मी, इस घर में जरूर कोई बुरी प्रेजेंस है। एटलीस्ट तुम तो मेरी बात सुनो। तुम तो एक माँ हो ना, और एक माँ के लिए उसके बच्चे की सेफ्टी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। तुम्हें पता है, जब मैं मुन्ने को देखने गई थी तो उसने मेरी फिंगर पकड़ ली, जैसे कि वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहता। मैं सच कह रही हूँ पिया, प्लीज मुझे इस घर में रुकने दो। इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है। रूबी, अंश अंश तुमसे बहुत नाराज है। मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है, इसीलिए मैं अपनी गलतियां सही करना चाहती हूँ। प्लीज वेदश्री आंटी। रीवा वंशी जी, हमारे मन में एक सवाल आया है। देखिए सवाल है, अब मुद्दा यह है कि जो चलायन है, इसके बारे में हम जितना पढ़ रहे हैं ना, उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि इनके सफेद बाल होते हैं और ये जिस पे सवार होती हैं, ये उसका खून चूसने लगती हैं। नहीं नहीं, खून नहीं, अरे अरे ऊर्जा, हाँ ऊर्जा चूसने लगती हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही जैसे इनकी शक्ति बढ़ते जाती है, इनका सफेद बाल काला होने लगता है। हमको ससुरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब यही काम करवाना है, तुमको अपना सफेद बाल काला करवाना है, तो किसी गरीब की जिंदगी कहाँ पर बात कर रही हो यार। अरे दुकान में जाओ, वहाँ हेयर डाई खरीदो, उसको लगाओ, बाल अपने आप काला हो जाएगा। का सावी गलत बोल रहे हैं हम? वाओ, मतलब कहाँ से लाते हो ऐसे सवाल? बोलना प्रभु की कृपा है। का बोले, अब चले जी जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए आइए। मैंने कहा था ना, रूबी को घर में लाना एक गलती थी। एक डायन की नजर अभी तो हटी थी, तुम दूसरी डायन ले आए। अंश, रूबी दिल की बुरी नहीं है, उसने जो किया मोहना के जान में फंस कर किया, और वो सफेद बाल तो हम सबने देखा था ना। मुझे लगता है रूबी की बातों में कुछ सच्चाई तो है। पिया, बाल कहीं से भी उड़कर घर में आ सकता है। 40वीं मंजिल पर बाल कहाँ से उड़कर आ सकता है अंश? और अगर मुन्ना ने उसे यहाँ रहने दिया है, इसका मतलब रूबी का यहाँ रहना सही है। तुम जानते हो ना, मुन्ने को सही गलत का पता चल जाता है। पिया प्लीज, अपने डिफेंस के लिए मुन्ने को इस्तेमाल करना बंद कर दो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपने मुन्ने का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? अरे मुन्ना, और लड़ रुला दिया ना। तुम सारे हस्बैंड का होते ऐसे। नहीं, वाइफ तो जैसे कुछ करती नहीं है,
लड़ाई तुमने ही शुरू की थी। शुरू करने का मौका भी तुम्ही ने दिया था। वैसे हंसाओ मुन्ना, एक हाथी होता है और एक चींटी होती है और वो दोनों मंदिर में हस्बैंड वाली बातें, इतना छोटा सा बेबी ऐसे जो कैसे समझ आएगा, है ना? हमें तो खिलाओ। सुपर पावर्स होने का क्या फायदा जब एक जोक नहीं समझ पाता। चुप रहो, इसे शांत कराओ। अरे ले ले, हम तो टॉयज खेलेंगे। अच्छा लगता है जब पापा की आईज ग्लो करती है, ये पापा और मम्मी के प्यार की चमक है, ये कभी कम नहीं होगी क्योंकि पापा मम्मी से हमेशा प्यार करते रहेंगे। शेखर जी, आप इस वक्त फल खा रहे हैं? अरे इतना भी क्या सेहत का ख्याल रखना, रुकिए मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। खा लिया मैडम। खा लिया? शेखर जी, सारा खाना खा लिया? पुराने वाले जी, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, भूख बहुत लग रही है, इतना भी खा रहे हैं, शांति नहीं हो रही है, ना खाए जाए खाए जाए। अरे शेखर जी रुकिए, इतना खाएंगे तो आपकी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी शेखर जी। अरे क्या कर रही है यार, देख नहीं रहा, खा रहे ना जी। शेखर जी आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप चलिए मेरे साथ कमरे में, थोड़ी देर लेट जाइए, आपको ठीक लगेगा, आप चलिए, बस चलिए। कहाँ हुआ सर जी, गाड़ी कहाँ रोक दी है? प्लीज थोड़ी देर बोलो मत, मन नहीं। ठीक है। डैड, वो लड़की सेफ तो होगी ना? हाँ, कुछ देर के लिए। अग्निरेखा उस राक्षस को बांधे रखेगी और हमें उस लड़की को सेफ रखने का कोई तरीका ढूंढने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। व्हाइट हेयर ब्लैक कैसे हो रहे हैं? इसका एक ही मतलब है कि इस घर में एक छलायन है, लेकिन वो किस पे सवार है? ये जो आप इतना खा रहे हैं, कैसे बचाएंगे सोचा है आपने? पेट पर जुल्म कर रहे हैं आप शेखर जी। चलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आपको शायद ठीक लगेगा, चलिए। और अगर ये बाल ब्लैक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी की एनर्जी खाकर जवान हो रही है, लेकिन किसकी? इसका होस्ट कौन है? ये शेखर अंकल इतना ड्रूप होके क्यों चल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। डैड,
जमीन पर? ये कैसे हुआ? इस पर तो कुछ दवाई लगानी पड़ेगी। हम लाती हूँ। ठीक है पंडित जी, बताने के लिए शुक्रिया। जिसका डर था वही हुआ। पंडित जी कह रहे हैं कि वो लड़की वहां से भाग गई, शायद यही वजह है कि वो राक्षस इतनी जल्दी यहाँ से निकला। लेकिन डैड, उस राक्षस ने अग्नि रेखा पार कैसे की? आपने तो कहा था कि अग्नि रेखा उस राक्षस को घर के अंदर बांध के रखेगी। रखना तो चाहिए था, लेकिन शायद उस राक्षस ने रेखा को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ निकाला हो। तरीका कैसे निकाल लिया होगा? बड़ा कमजोर रेखा बनाए हैं उन्होंने। तो थोड़ा सा अगर गिट्टी और सीमेंट मिला देते तो ज्यादा बेहतर होता, मजबूत बनता ना थोड़ा सा। प्लीज जानना मत, हर बार बकवास करना जरूरी है। सॉरी डैड, मुझे लगता है हमें उस लड़की के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा, वरना बात बिगड़ जाएगी। लेकिन कैसे पहुंचेंगे हम लोग? वो ससुरा राक्षस के पास तो वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड है राक्षस चिन्ह, वो तो ससुरा छट से पहुंच जाएगा वहां पे। लेकिन हम लोग तो लग रहा है बस ऐसे ही नगरी नगरी द्वार द्वार घूमते रह जाएंगे और ढूंढते रह जाएंगे। अब क्या किया जाए भाई? मैं जानती हूँ कि हमें क्या करना है। क्या? हम ना उस राक्षस को रोक सकते हैं और ना ही उस लड़की को ढूंढ सकते हैं, पर हम उस राक्षस को गुमराह जरूर कर सकते हैं डैड। कैसे? उसे फेक सिग्नल देके। क्या मतलब? मतलब मैं भी अपने ऊपर वो राक्षस चिन्ह बना लूंगी, ताकि जब वो राक्षस चिन्ह ग्लो करे तो राक्षस उस लड़की के बजाय मेरे पीछे आए। अरे लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप वो राक्षस चिन्ह अपने ऊपर बनाएंगी कैसे? इससे